पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार के लिए मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगेंगे। अब याद कीजिए ना, जनसंघ के दिनों में कभी सोचा था मैं आपको ऐसे 100 परिवार भारत में गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच करके हर चुनाव लड़ा और जमानत बचाते हुए आज कमल के निशान को यहां तक पहुंचाया है। इस बात को हमको समझ में ऐसे 100 परिवार आपको मिल गए। आज मैं गंगा बाबू जी के यहां जाने वाला हूं, दानापुर का चुनाव लड़ते थे, कभी सोचा था नहीं जीतेंगे। आज भी हिमालय कभी और कठिन की सीट बन जाती, लेकिन क्या सरलता से चुनाव लड़ते, कौन सी प्रेरणा थी उनको, विचारों की लड़ाई थी। तो हम विचार से जुड़े हुए पार्टी और हम कैडर बेस्ड पार्टी, और कैडर बनता है कार्यालय में, उसका बहुत बड़ा उपकरण कार्यालय होता है, दो दिन में नहीं पैदा हो जाता। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कहीं कोशिश कर ले जितना करना, हमारे 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये जितने कैंप लगाने इनको CAMP समझने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम विचार बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी, और हम मास पोलिंग वाली पार्टी, सबसे बड़ी मास पोलिंग हमारी। आप सोचिए ना, आज सभी लोग अपनी पार्टियां छोड़कर के 20-20 साल 30-30 साल लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि सबके समझ में आ गया है कि कार्य करते हुए देश को परिवर्तित करने का उपकरण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को हम सुनिए, जब 2014 में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो एक दिन 11 अशोक रोड पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के लिए आए। पार्टी के कार्यालय का रेनोवेशन हुआ था, उन्होंने रेनोवेशन को देखा, देखने के बाद उन्होंने पूछा कि यह है तो सरकारी जमीन पर, सरकारी प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने एक कल्पना हम सबको दी, मैं उस समय महामंत्री होता था, अमित भाई उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो उन्होंने कल्पना दी कि क्या हम अब इतनी बड़ी पार्टी बने हैं, क्या हम अपना कार्यालय नहीं रख सकते, क्या हमको हरेक जिले में और हरेक प्रदेश में अपना कार्यालय नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने हम लोगों को कल्पना दी, और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी ने इस कल्पना को साकार करने का प्रयास किया, और मुझे याद है कि लगभग 724 जिले हमने ऐसे इंगित किए जहां हमको कार्यालय बनाना है। और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 215 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं और 512 कार्यालयों पर काम चल पड़ा। कुछ कार्यालयों के लिए जमीन की रजिस्ट्री रह गई, और आज मुझे यहां बिहार में आकर के 16 कार्यालयों का, पिछली बार में आया था तो शायद 10 कार्यालयों का, 11 कार्यालयों का मैंने उद्घाटन किया था, आज मैं 16 कार्यालयों का उद्घाटन कर रहा हूं और 7 कार्यालयों का शिलान्यास कर रहा हूं। ये बहुत ही हम सबके लिए संतोष का विषय है कि जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं उस पार्टी को सुसज्जित करते हुए, कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए अब कैसे काम में जुटे।